जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ खील की एक और नमकीन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम किस तरीके से बनाएंगे ये हम वीडियो में ही देखेंगे। और रेसिपी अगर आपको भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए मेहमान है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी न भूलें। और बहुत जल्दी से अपनी ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट नमकीन बनाना शुरू करते हैं। खील से एक और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिया है ये 4-5 कटोरी खील। आप अपने घर में किसी भी कटोरी के साथ ये मेजरमेंट कर सकते हैं। और इस नाश्ते में एक और खास बात है, इसमें आप बहुत सारी खील इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे हम मीठी खील बनाते हैं तो उसमें भी हम थोड़ी सी खील इस्तेमाल में लाते हैं, या हम डाइट नमकीन बनाएंगे तो भी थोड़ी ही खील काम में आती है। लेकिन इसमें बहुत सारी खील आप एक ही बार में इस्तेमाल में ला सकते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो इस तरीके के ये धान होते हैं इन्हें बीन लेंगे, और बहुत सी जगह इन्हें धान की लाई कहा जाता है। खील को बहुत अच्छे से साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें इस तरीके का धान होता है जो खाने में बहुत खराब लगता है। इसके बाद गैस ऑन करके उसके ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल। मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। सरसों का तेल आप जब भी इस्तेमाल में लाएं एक बार उसे स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म कर लें, यानी उसमें से धुआं निकलना चाहिए। और उसके बाद एक बार ठंडा करने के बाद फिर आप इस्तेमाल में लाएं। और जैसे ही तेल में अच्छे से धुआं निकला गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और इसके बाद फिर से गैस ऑन करेंगे और मैंने लिए हैं ये 1 टेबल स्पून जितने मूंगफली के दाने, इन्हें डाल देंगे और दानों को अच्छे से चटकने देंगे क्योंकि दाने अभी कच्चे हैं। और कुछ ही सेकंड में दाने अच्छे से चटक गए हैं और बस अब हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। और इस गर्म ऑयल में हम डाल देंगे 1 पिंच हींग, साथ ही डाल देंगे 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड, 1/4 टीस्पून जीरा, जीरे को फूटने देते हैं। जैसे राई और जीरा अच्छे से फूटता है हम इसमें डालेंगे थोड़े से करी पत्ते जिन्हें अच्छे से धो लिया है। एक मीडियम साइज की हरी मिर्च जिसे बारीक काटा हुआ है, साथ ही मैंने लिया है 1 बड़े साइज की प्याज जिसे एकदम छोटे छोटे काट लिया है। और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। प्याज को हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ इसका कच्चापन निकल जाए सिर्फ हम प्याज को इतना ही भूनेंगे। 1 मिनट तक प्याज को भूनने के बाद में मैंने लिया है ये 1 छोटे साइज की शिमला मिर्ची जिसका 1/4 पार्ट मैंने ले लिया है, और उसे भी डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा लो। और उसके बाद मैंने लिया है 1 बड़े साइज का आलू जिसे एकदम छोटे छोटे काट लिया है, वो भी डाल देंगे। आलू कच्चा है इसलिए पकने में थोड़ा सा समय लगेगा। अब बारी है मसाले डालने की, उसके लिए सबसे पहले हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। खील इस समय तो बहुत ज्यादा लगेगी देखने में, लेकिन जब हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा खील थोड़ी सी रह जाएगी, इसलिए नमक आप बहुत देखकर डालें, कहीं ऐसा ना हो कि नमक ज्यादा हो जाए। 1/4 टीस्पून मैंने ली है हल्दी पाउडर, वो भी डाल देते हैं। 1/4 से भी कुछ कम मैंने ली है लाल मिर्चें, तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा कम या ज्यादा। साथ ही डाल देते हैं 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब हम आलूओं को जब तक पकाएंगे जब तक वो अच्छे से पक नहीं जाते, लेकिन हम ना तो इसमें पानी डालेंगे ना पैन का ढक्कन लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें उबले हुए आलू का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन कच्चे आलू के साथ टेस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा आता है। आलू अच्छे से पक चुका है और इसी समय हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून जितनी हरी मटर के दाने जिसे मैंने उबाल रखा है। अगर आप फ्रेश यूज कर रहे हैं तो उबाल कर इस्तेमाल करें। 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून से कुछ ज्यादा हम इसमें डाल देंगे चीनी। ये थोड़ी सी चीनी डालने से ही इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे ये किशमिश, मैंने 20-25 किशमिश लिए हैं।
जब सब चीजें अच्छे से पक जाएं और आपस में अच्छी कंबाइंड हो जाएं, तब हम इसमें डाल देंगे ये साफ करी हुई खील और साथ ही डालेंगे 2-3 टेबल स्पून जितना पानी। पानी को बहुत कम डालें और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। आप देख सकते हैं कि पानी की वजह से खील नीचे बैठ गई है और नाश्ता थोड़ा हो गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि खील देखने में बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन नाश्ता बनकर थोड़ा सा तैयार होगा। और लास्ट में हम डाल देंगे ये तले हुए मूंगफली के दाने, एक छोटे से साइज का टमाटर जिसे एकदम बारीक काटा हुआ है। अगर आपको टमाटर का कच्चा टेस्ट पसंद नहीं है तो आप उसे जब हमने प्याज और आलू भुने थे उसी समय भून सकते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी, साथ में हेल्दी भी हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। नाश्ता बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी बारीक वाले सेब डाल सकते हैं जिससे टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। खील से बने हुए इस बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी ये नमकीन बनकर तैयार है। हम डाइट नमकीन के लिए खील इस्तेमाल करें या मीठी के लिए खील इस्तेमाल करें, उसमें हम थोड़ी सी खील इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी की खील रह जाती है। लेकिन आपने देखा इसमें हम बहुत सारी खीलों को इस्तेमाल में कर लेते हैं और खीलें बहुत जल्दी से खत्म हो जाती हैं। ये तरीका और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए मेहमान है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलता रहे। थैंक यू।